want justice. We want justice. We want justice. नेशनल हाईवे को बहाल करो। ये नेशनल हाईवे की वजह से पिछले तीन महीने से लगातार पाँच पाँच दिन, छः छः दिन, सात सात दिन हमारी गाड़ियों को बिलावजह रोकते हैं, चाहे उधमपुर में रोकते हैं या काजीगोड़ में रोकते हैं, तो उसकी कोई वजह नहीं है। अगर कानवे डे है तो कानवे आनी चाहिए, अगर वन वे ट्रैफिक है तो उस पर रोल वही एक दिन यहाँ से एक दिन वहाँ से, ऐसा नहीं होता है। ये क्या करते हैं, पाँच पाँच दिन हमारी सब्जी और फ्रूट की से लदी हुई गाड़ियों को उधमपुर में रोकते हैं, और इन दिनों वहाँ गर्मी है तो गर्मी में हमारा ये सारा फ्रूट और जो हमारी सब्जी सारी सड़ जाती है वहाँ पर। तो इस जब हमने सर से गया, ये हमारा हमने काफ़ी नुकसान उठाए अभी तक, अब जब हम इस बात पर मजबूर हो गए कि हम स्ट्राइक पर जा रहे हैं, हालांकि हम नहीं चाहते हम स्ट्राइक पर जाए, क्योंकि ये हम ये एसेंशियल कमोडिटीज़ चाहे सब्जी हो फ्रूट हो ये लोगों को मिल जाए, माहिर रमज़ान का आने वाला भी, लद्दाख का रास्ता भी खुल गया, हम नहीं चाहते लोगों को कोई दिक्कत हो, मगर ये जो गवर्नमेंट हमें मजबूर कर रही है कि हर एक हमारा मेंबर, हर एक हमारा ग्रोवर करोड़ों रुपये का मकरूज़ हो चुका है, अभी तक खसारे में हो चुका है। सिर्फ इसकी वजह यह है कि हाईवे जो है हमारे लिए एक जहन्नम बन चुका है, हमारे लिए अजाब बन चुका है। इसकी तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जो हमारी गवर्नर इंतजाम है कोई तवज्जो नहीं देती है। तो इसी वजह से हम एक इंतहाई कदम जो हम बदकस्मती से हम नहीं उठाना चाहते, गवर्नमेंट हमें मजबूर कर रही है कि इसे कदम उठाओ। अगर गवर्नमेंट इसमें कोई टसे मस नहीं हुई तो हम तो मजबूर है, हमने तो बहुत खसारा बर्दाश्त आज तक किया है और कितना हम करेंगे। हमने बैंकों से कर्जे लिए, हमें बाहर के लोगों का कर्जा है, इधर के लोगों का कर्जा है, कहीं अपने जायदादें हमने गिरवी रखी है, तो हमने ये कर्जा लेकर हम अपना कारोबार चला रहे हैं। अगर इतना ही हमारा ये माल सट जाएगा तो हम मजबूर हैं, फिर जब ये रास्ता ही खुला ही नहीं तो क्या करें। हमारा माल अभी यह से स्टोर में यहाँ सट रहा है, वो भी नहीं जा पाता है किसी भी मंडी में। जस्ट जस्ट।